नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर स्टडीज. इट इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास फोर्थ, चैप्टर थ्री. चैप्टर नेम इज मल्टीमीडिया पार्ट वन. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स. सो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द वीडियो सेक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आई विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक. सो हेयर इज द वीडियो, लिसन केयरफुली एंड देन वील डिस्कस अबाउट इट. ओके, या हेयर इज द वीडियो. Hey Jenny, I watched a film on global warming on the computer yesterday. Jim, I also played games and listened to my favorite songs on the computer. I also want to listen to songs and play games. Can I do that on my computer? Yes, Jim. Do you know there is a program called Multimedia that makes all these things possible? Wow, that's interesting. Tell me more about it, Jenny. So, first of all, what is multimedia? So, the word multimedia is the combination of two words. First is multi and second is media. Okay. Multi means many and media means different forms of or different modes of communication. Okay. So, multimedia means multi means many, मतलब बहुत सारे, and media means मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो बहुत सारे जो कम्युनिकेशन करने के जो मेथड्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया. ओके, नेक्स्ट इज. ओके, लेट्स लर्न अबाउट मल्टीमीडिया एंड इट्स एलिमेंट्स नाउ. मल्टीमीडिया रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. यू यूज द कंप्यूटर टू रीड, लिसन टू म्यूजिक, वॉच कार्टून्स एंड मूवीज एंड view different images. All these tasks include the use of multimedia elements. There are five types of multimedia elements: text, audio, graphics, video, animation. Okay, so multimedia is the different forms of or the modes of communication. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं communicate करने के. And you can use computer to read and listen the music. Okay, watch the cartoon, watch movies and view different type of images. तो आप computer का use करते हैं songs सुनने के लिए, बहुत सारी movies देखने के लिए, images देखने के लिए, animations देखने के लिए, ठीक है, different type की videos देखने के लिए. तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया. ठीक है, टेक्स्ट हो गया, जैसे आपने कुछ लिखा हुआ देखा, या आपने कोई ग्राफिक देखा, आपने कोई एनिमेशन देखा, आप एनिमेशन मूवीज देखते हैं, या आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया. ओके, नाउ let us learn about text. Text refers to words, sentences, paragraphs or the numbers you type and see on a computer. Text is a multimedia element because it gives you some information. For example, the text in books gives you knowledge about different topics. So, books are a form of multimedia. You type text in Microsoft Word, WordPad and Notepad. You also read text while searching for information on the internet. So students, text is the element of multimedia. Text मतलब आप कोई भी word लिखते हो, कोई भी sentence लिखते हो, कोई paragraph लिखते हैं आप, ठीक है, आप उसको computer पे लिखते हैं, या आप किसी नोटपैड पे लिख रहे हैं, एमएस वर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है. तो
वो टेक्स्ट क्या कर रहा है? टेक्स्ट एक मल्टीमीडिया एलिमेंट है जो आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक में से कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप बुक में से पढ़ते हैं, तो बुक क्या हो गया? बुक इज द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। एंड आप एमएस वर्ड पे टाइप कर सकते हैं, वर्ड पैड पे टाइप कर सकते हैं, नोटपैड पे टाइप कर सकते हैं, और आप वहां से टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं, और उसके अलावा आप इंटरनेट से भी बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो टेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ये टेक्स्ट जो है ये भी मल्टीमीडिया का ही एक एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ऑडियो। ऑडियो रेफर्स टू डिफरेंट साउंड्स ऑन द कंप्यूटर। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, स्टोरीज और पोएम्स ऑन योर कंप्यूटर। दीज साउंड फाइल्स आर नोन एज ऑडियो फाइल्स। You can also create your own audio files by recording your voice on the computer. Windows Media Player and VLC Media Player are some common programs used to play audio. So, second multimedia element is audio. Audio ka hum kyun use karte hain? Hame kuch bhi sunna hota hai, like if we want to listen music, agar hame song sunne hote hain, कोई भी साउंड अगर हमें सुनना होता है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? ऑडियो का। चाहे हमें कोई म्यूजिक सुनना हो या कोई स्टोरी सुननी हो या कोई पोयम कंप्यूटर पे सुननी हो तो हम उसके लिए मल्टीमीडिया ऑडियो का यूज करते हैं। और साउंड फाइल जो होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑडियो फाइल्स बोलते हैं। और हम अपनी साउंड में भी अपनी ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दीज टू सॉफ्टवेयर्स, लाइक फर्स्ट इज विंडो मीडिया प्लेयर एंड सेकंड इज वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज हम किसी भी ऑडियो फाइल को प्ले करने में करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स लर्न अबाउट ग्राफिक्स नाउ। ग्राफिक्स आर इमेजेस और पिक्चर्स यू सी ऑन द कंप्यूटर। They can be drawings, images, or photographs. Graphics convey information. They also make documents attractive. Microsoft Paint and Tux Paint are two software that can be used to create graphics. Okay, so next multimedia element is graphics. Graphics आप देखते हैं कंप्यूटर पे, आप images देखते हैं, pictures देखते हैं, कुछ drawings आप देखते हैं, या आप फोटोग्राफ देखते हैं, तो ग्राफिक्स इन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स बोलते हैं। दे ऑल्सो कैन मेक डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव। किसी भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड टक्स पेंट आर टू सॉफ्टवेयर दैट यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स। माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टक्स पेंट है जिसकी हेल्प से हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट दीज आर ऑल्सो टू सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट इज वीडियो। अ वीडियो इज अ फिल्म विद मूविंग ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। यू कैन वॉच वीडियोज एंड मूवीज ऑन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो यूजिंग योर वीडियो कैमरा। Windows Media Player and VLC Media Player are two programs used to play videos on a computer. Okay, so next element of multimedia is video. तो हम अगर graphics को हम sound दे देते हैं और effects दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? That is what video. Like हमने एक picture बनाई और उस picture को हमने sound दे दिया और साथ में effects दे दिए, तो वो video क्या बन जाएगी? That is video. is converted into that graphic is converted into video, ठीक है। और वीडियो को प्ले करने के लिए भी हम विंडो मीडिया प्लेयर और वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, ठीक है। अ वीडियो इज अ फिल्म विद मूविंग ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। वी कैन वॉच वीडियो एंड मूवी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और अदर स्टोरेज डिवाइस एंड वी कैन वॉच मूवी ओवर द इंटरनेट। So we can also create a video using our video camera. तो video camera की help से भी हम video create कर सकते हैं,
या हम अपने जो ग्राफिक्स हैं उनको इफेक्ट्स देके भी उसे वीडियो बना सकते हैं, अपनी इमेजेस या फोटोग्राफ्स से भी हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को प्ले करने के लिए हम VLC मीडिया प्लेयर एंड विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज लेट्स लर्न अबाउट एनिमेशन। मेकिंग अ ड्रॉइंग लुक एज दो इट इज मूविंग इज कॉल्ड एनिमेशन। डू यू नो हाउ कार्टून्स आर क्रिएटेड? कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स आर फर्स्ट ड्रॉन और एडेड इन एन एनिमेशन प्रोग्राम। इफेक्ट्स आर देन एडेड टू द कैरेक्टर्स टू शो मूवमेंट्स इन देम। Pivot Animator is a program used to create animations. So next is animation. So what is animation? Making a drawing look as though it is moving, it is called animation. किसी भी drawing को जब हम movement दे देते हैं, जैसे आप cartoons देखते हैं, तो cartoons में क्या होता है basically? एक cartoon बना दिया गया है, like आप देखते हैं छोटा भीम, ओके, या आप देखते हैं टॉम एंड जेरी। तो बेसिकली क्या है, एक कार्टून बना दिया गया है और उस कार्टून को एनिमेशंस दिए गए हैं, उस कार्टून को मूवमेंट दी गई है, आपको ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, बोल रहा है या और भी कुछ कर रहा है, बट बेसिकली क्या है, बेसिकली एक कार्टून एक पिक्चर है और उस पिक्चर को बहुत सारे एनिमेशंस दे दिए गए हैं और हमें वो सारे काम करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एनिमेशन। ऐसे ही आप एनिमेशन मूवी देखते हैं तो उसमें भी यही होता है, बेसिकली एक एनिमेशन बना दिया जाता है और उस एनिमेशन को डिफरेंट टाइप के मूवमेंट दे दिए जाते हैं। कार्टून भी ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। स्टैटिक कैरेक्टर्स आर फर्स्ट ड्रॉन एंड एडेड इन एन एनिमेशन प्रोग्राम। इफेक्ट्स आर देन एडेड टू द कैरेक्टर टू शो मूवमेंट इन देम। सबसे पहले कोई एक कैरेक्टर बनाया जाता है और फिर उसके बाद में उसको मूवमेंट दे दिया जाता है, जिससे वो जो कैरेक्टर है वो हमें उस मोमेंट में दिखाई देता है। पाइवट एनिमेटर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन। ये जो पाइवट एनिमेटर है आपने थर्ड क्लास में पढ़ा भी है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप एनिमेशन बना सकते हैं ऑन द स्मॉल स्केल। आप यहाँ पे कुछ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो एनिमेशन इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। Let's recollect what we have learnt in this module. Multimedia refers to different forms or modes of communication. There are five types of multimedia elements: text, audio, graphics, video, and animation. So, these are the recollect section. We have learned today what? Different type of multimedia element, like first is text, audio, graphics, video and animation. These all are the type of multimedia elements, okay. Now it's your quiz time. So here is some questions. The various function of a computer include the use of the element. So what is the answer? It is multimedia, okay. Submit. Yeah, that's right. The various functions of a computer include the use of multimedia element. Now continue. Next question. Photographs are not a multimedia element. So photographs जो है वो multimedia element है या नहीं है? So photographs are not the multimedia element. Yes, photographs are not a element of multimedia, but photographs are the part of graphics. Okay, so it is not directly an element of multimedia, but it is an element of multimedia. क्योंकि जो graphics होती है, graphics में क्या होता है, graphics में photographs ही तो होती है, ठीक है। So हम इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि ये मल्टीमीडिया एलिमेंट नहीं है, बट आई थिंक इट इज ट्रू, सो सबमिट। या दैट्स राइट, फोटोग्राफ आर ए मल्टीमीडिया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स जो होते हैं, ग्राफिक्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्राफिक्स आर द ड्रॉइंग एंड फोटोग्राफ्स, दीज ऑल आर द ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स जो मल्टीमीडिया एलिमेंट है उसमें क्या आता है, फोटोग्राफ्स उसी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर।
Dash are images or picture you see on the computer. So images or pictures किस में आती हैं? Graphics में आती हैं. These are the images और pictures. क्योंकि टेक्स्ट में तो टेक्स्ट आएगा, वीडियो में वीडियोस आएंगी और ऑडियो में क्या आएंगे? सॉन्ग्स आएंगे. लेकिन इमेजेस और पिक्चर्स किस में आएंगी? ग्राफिक्स में आएंगी. सो आई थिंक ग्राफिक इज द राइट आंसर. या दैट्स राइट, ग्राफिक आर इमेजेस और पिक्चर दैट वी कैन सी ऑन आवर कंप्यूटर. सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस इज द मल्टीमीडिया एलिमेंट एंड we have discussed today about different type of multimedia element like text, audio, video, animation, graphics. These all are the different type of elements of multimedia. And this is all about today's class. I will share your homework in your class group. So do complete your homework in your Interleaf notebook and submit your notebook in the school for checking, and I will share the question answer of chapter 2. There is some question answer which we have not done in chapter 2, so I will share in your class group the question answer of chapter 2 also. So do these question answer in your notebook. Okay, thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thank you so much.